Hi everybody, once again welcome you all on Law Vita here. This is Aradhya Gupta and in this lecture today we are going to start a new subject of human rights law. Here we will be discussing four things: the meaning of human rights, the definition of human rights, the evolution of human rights and the basis of human rights. Okay, so let's begin with the meaning of human rights. So human rights kya hote hain? They are those rights that every human being has by virtue of his or her human dignity. ये वो rights होते हैं जो कि हर मनुष्य के पास, हर human being के पास होते हैं. किस कारण से? By virtue of or as a result of his or her human dignity. जो उस human being का recognition होता है, जो उसकी dignity होती है in context of the humanity that prevails in the society, that the rights that person possesses, that he should be valued, he should be respected, he should be treated ethically. So that constitute a dignity of a human being. So us context mein ya uske dwara, as a result of that human dignity, jo bhi rights human being acquire karte hain, theek hai, they are called as human rights. ठीक है, दीज राइट्स आर अवेलेबल टू ऑल ह्यूमन बींग्स फ्रॉम देयर बर्थ इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन कास्ट, क्रीड, रिलीजन, सेक्स और नेशनैलिटी. ठीक है, ये सारे जो ह्यूमन राइट्स होते हैं, जितने भी ह्यूमन राइट्स होते हैं, वो सारे ह्यूमन बींग्स सिंस देयर बर्थ उन्हें अक्वायर कर लेते हैं, वो उनको अवेलेबल हो जाते हैं. ठीक है, जैसे ही एक मनुष्य जन्म लेता है, उसी क्षण से वो सारे जो ह्यूमन राइट्स हैं वो पर्सन को अवेलेबल होते हैं. फर्क नहीं पड़ता उसका क्या कास्ट है, क्या रिलीजन है, क्या सेक्स है, क्या नेशनैलिटी है. इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दीज डिस्क्रिमिनेटरी ग्राउंड, उनको वो जो राइट्स हैं वो अवेलेबल होते हैं. दीज राइट्स आर ऑल्सो नोन एज द बर्थ राइट्स, द नेचुरल राइट्स, द इनहेरेंट राइट्स, बेसिक राइट्स और फंडामेंटल राइट्स. इन ह्यूमन राइट्स को बर्थ राइट्स भी कहा जाता है, फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं लोग, इनको नेचुरल राइट्स भी बोलते हैं, इनहेरेंट राइट्स भी बोलते हैं. ठीक है, भी इनको बुलाया जाता है. ठीक है, तो ये कुछ एक बेसिक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ था. ठीक है, जो आप अपने आंसर में स्टार्ट करेंगे व्हाइल राइटिंग योर आंसर, और समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिस वॉज अ बेसिक इंट्रो. ठीक है, एक लैंडमार्क केस में ह्यूमन राइट्स के बारे में बात की गई थी, दैट वॉज मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1978. तो इस केस में जस्टिस पी एन भगवती ने ऑब्जर्व किया था दैट ऑल दोज राइट्स विच आर एसेंशियल फॉर द प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड क्रिएट कंडीशंस इन विच एवरी ह्यूमन बींग कैन डेवलप हिज और हर पर्सनैलिटी टू द फुलेस्ट एक्सटेंट मे बी टर्म्ड एज ह्यूमन राइट्स. जस्टिस पी एन भगवती ने ऑब्जर्व किया कि वो सारे राइट्स जो कि ज़रूरी होते हैं एक इंडिविजुअल की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, एक इंडिविजुअल की डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए, और उसके साथ साथ वो सारे राइट्स जो ऐसी कंडीशंस को क्रिएट करते हैं, ठीक है, ऐसी कंडीशंस को क्रिएट करते हैं जिसमें हर ह्यूमन बीइंग अपने आप को डेवलप कर सकता है, अपने आप को डेवलप करने की अपॉर्चुनिटीज़ पाता है. ठीक है, जितनी उसकी क्षमता है उसके अनुसार पूर्ण रूप से मेंटली, फिजिकली, इमोशनली दैट पर्सन कैन डेवलप हिमसेल्फ और हरसेल्फ. तो ऐसे राइट्स को कहते हैं जो राइट्स ऐसे कंडीशंस को क्रिएट करते हैं, जो राइट्स उसकी डिग्निटी को प्रोटेक्ट और मेंटेन करते हैं, वो सभी राइट्स कहलाते हैं ह्यूमन राइट्स. उन सभी राइट्स को हम ह्यूमन राइट्स कह सकते हैं. ये कहा था जस्टिस पी एन भगवती ने इन द केस ऑफ मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया. ठीक है ना, आप समझ में आ रहा होगा ह्यूमन राइट्स का एक एसेंस क्या है. एसेंस यही है कि हर इंसान को फ्रीडम मिले, हर इंसान को आगे बढ़ने का, डेवलप करने का अपॉर्चुनिटी मिले, और उसकी डिग्निटी को, उसकी रिकॉग्निशन को, उसके राइट टू बी वैल्यूड, टू बी रिस्पेक्टेड, टू बी ट्रीटेड इक्वली, एथिकली, ये जो राइट्स हैं उनको क्या कहते हैं, उनको प्रोटेक्शन मिले और उनको उसका प्रमोशन किया जाए थ्रू आउट द वर्ल्ड. ठीक है, ये है आपका बेसिक एसेंस एंड द मीनिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स. अब हम लोग देखेंगे कुछ सर्टेन इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स. सो द फर्स्ट डेफिनेशन हैज बीन गिवन बाय जस्टिस डीडी बसु, दुर्गादास बसु. हम सब ने इनका नाम सुना है, बहुत सारी बुक्स इन्होंने लिखी हैं. कॉन्स्टिट्यूशन की एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है इनकी. तो ही सेज दैट ह्यूमन राइट्स आर दोज मिनिमल राइट्स विच एवरी इंडिविजुअल मस्ट हैव अगेंस्ट द स्टेट और अगेंस्ट अदर पब्लिक अथॉरिटी बाय वर्च्यू ऑफ हिज बींग अ मेंबर ऑफ ह्यूमन फैमिली,
irrespective of any considerations. So इनके according human rights वो minimal rights हैं, वो basic rights हैं जो कि हर individual को मिलने ही चाहिए, ठीक है, उनके पास होने ही चाहिए against the state, वो state actions के against उन basic rights को जो है वो perform कर सकता है और उनके बलबूते वो खड़ा हो सकता है, ठीक है, चाहे किसी स्टेट के अगेंस्ट या किसी पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट, ठीक है, कि क्यों, क्योंकि वो ह्यूमन फैमिली का पार्ट है, ठीक है, इसलिए वो राइट्स उसको मिलने ही चाहिए, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, और बिना किसी भी तरीके के कंसिडरेशन के कि ये इस कास्ट का है इसलिए इसको मिलेगा या इस सेक्स का है इसलिए उसको मिलेगा, नहीं, कोई भी कंसिडरेशन, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन के क्या कहते हैं बिना, ठीक है, सभी को मिलना चाहिए. तो ये कहते हैं डी डी बसो, ये है ह्यूमन राइट्स की डेफिनेशन एज पर जस्टिस डी डी बसो. नेक्स्ट डेफिनेशन हैज बीन मेंशन इन द UDHR. इट्स अ वेरी वेरी लैंडमार्क डेक्लरेशन और द डॉक्यूमेंट विच हैज़ प्रमोटेड द ह्यूमन राइट्स, दैट इज़ अ यूनिवर्सल डेक्लरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948. सो अकॉर्डिंग टू दिस, ह्यूमन राइट्स आर द राइट्स डिराइव फ्रॉम द इनहेरेंट डिग्निटी ऑफ द ह्यूमन पर्सन. ह्यूमन राइट्स वो राइट्स होते हैं जो कि ह्यूमन डिग्निटी से डिराइव होते हैं, एक ह्यूमन बींग की जो डिग्निटी है, जो उसका रिकग्निशन है, उससे जो डिराइव होते हैं, ठीक है, दोज आर नोन एज अ ह्यूमन राइट्स, ठीक है, यू बिकॉज एज द क्वेश्चन विल कम द डेफिनेशन, सो यू हैव टू कोट द एग्जैक्ट वर्डिंग ऑफ द सेम, ठीक है, मैंशनिंग दैट वेयर इट हैज बीन कोटेड और हु सेड द फॉलोइंग वर्ड्स. द थर्ड एंड द लास्ट डेफिनेशन हेयर हैज बीन मैंशन इन द सेक्शन 21D ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993. सो अकॉर्डिंग टू दिस, ह्यूमन राइट्स the rights relating to the life, liberty, equality, dignity of the individual which is guaranteed by the constitution or which is embodied in the international covenants and enforceable by the courts in India. तो इसमें कहा गया था कि ह्यूमन राइट्स वो राइट्स होते हैं जो कि एक पर्सन की, एक ह्यूमन बींग की लाइफ से रिलेटेड होते हैं, उसकी लिबर्टी से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, उसको इक्वलिटी से रिलेटेड होते हैं, उसकी डिग्निटी से रिलेटेड होते हैं. दीज फोर आर द वेरी की वर्ड्स ऑफ दिस सेक्शन ऑफ दिस डेफिनेशन, द लाइफ, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, जो कि या तो उसके स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीड होते हैं कि हर इंडिविजुअल को दिया जाएगा या हर सिटीजन को दिया जाएगा, या फिर कुछ सर्टेन इंटरनेशनल कोविनेंट्स जो होते हैं, कुछ ट्रीटीज जो होती हैं, उनमें ये चीज़ जो है वो साइन की जाती है और इस चीज़ का प्रॉमिस किया जाता है जो भी कंट्री स्टेट्स उसके मेंबर बनते हैं, ठीक है, एंड लेटर ऑन ये जितने भी राइट्स हैं दे आर इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट्स इन इंडिया. इंडिया के कंटेक्स्ट में फिर जो जितनी भी कोर्ट्स होती हैं, अपर कोर्ट्स, लोअर कोर्ट्स, वो इन्हें इन्फोर्स कराती हैं इन दी रिस्पेक्टिव केसेस. तो वो राइट्स कहलाते हैं जो कि इंसान की लिबर्टी, लाइफ, इक्वलिटी और डिग्निटी को प्रमोट कर प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, उससे रिलेटेड है. दोज ऑल द राइट्स आर कॉल्ड द ह्यूमन राइट्स, ठीक है ना. समझ में आ गए डेफिनेशन क्या है, मीनिंग क्या है. चलो अभी नेक्स्ट है इवोल्यूशन की, कैसे ये जो ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट है ये इवॉल्व हुआ, किसने पहली बार इसके बारे में बात की, कौन सा डॉक्यूमेंट था, वील सी ऑल ऑफ दैट हियर. द आइडिया ऑफ ह्यूमन राइट इज एज ओल्ड एज ह्यूमैनिटी. मतलब कहते ना कि जब से मानवता का जन्म हुआ तब से ह्यूमन राइट्स का जन्म हुआ, मानव अधिकारों का जन्म हुआ. तो बट इट्स सिस्टमैटिक प्रोक्लेमेशंस, इट्स रूल्स, इट्स सिस्टमैटिक ऑर्डर्स एंड द डिक्लेरेशंस आर मोर रीसेंट. इसकी जो नींव है वो तो हम तभी से कह सकते हैं जब से मानवता है, जब से ह्यूमैनिटी है, जब से ह्यूमन बीइंग है, तभी से ह्यूमन राइट्स है. लेकिन इसके जो एक सिस्टमैटिक रूल्स हो गए, जो डिक्लेरेशंस हो गए, नोटिफिकेशंस, ऑर्डर्स, वो कहीं ना कहीं रिसेंटली कुछ ट्रीटीज और पैक्ट्स के थ्रू ही प्रमोट हुए हैं और सामने आए हैं. द यूनाइटेड नेशंस चार्टर मार्क्स द एडवेंट ऑफ सिस्टमैटिक ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन विद इन द इंटरनेशनल सिस्टम. इंटरनेशनल पेवमेंट पे एज वी रीड, यूएन चार्टर ने अपना सबसे कहते ना कि महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है. यूनाइटेड नेशंस चार्टर ने, इट हैड समहाउ मेड द इंट्रोडक्शन ऑफ द सिस्टमैटिक ह्यूमन राइट्स, ठीक है, ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन, ह्यूमन राइट्स का प्रमोशन जो है एक सिस्टमैटिक वे में वो यूएन चार्टर ने ही इंट्रोड्यूस किया. हाउएवर द रूट्स ऑफ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन मे बी ट्रेस्ड इन द बेबिलोनियन लॉज. The Babylonian king Hammurabi issued a set of laws to his people which is called the Hammurabi's Code, which established the fair wages, the offered protection of property, etc. फिर भी हम लोग जब पुरानी books वगैरह और कुछ documents पढ़ते हैं, from there we came to know that जो protection of rights की
जितने भी मनुष्य हैं उनके राइट्स को, उनकी लाइफ लिबर्टी की जो राइट्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए, या जो उसकी जो भी रूल्स है, जो भी उसके एस्पेक्ट्स हैं, उसकी जो नींव है, उसकी जो रूट्स है, वो हमें बेबीलोनियन लॉज से ट्रेस की जाती है, उससे हम लोग डिराइव करते हैं. बेबीलोनियन लॉज जो हैं ये एक बेबीलोनिया है एक आई थिंक अफ्रीका एशिया साइड में समवेयर इट इस्टेब्लिश. तो वहाँ के किंग हुआ करते थे हामुराबी, उन्होंने एक सेट ऑफ रूल्स प्रिपेयर किया था वहाँ के लोगों की प्रोटेक्शन, वहाँ के लोगों के राइट्स को इंश्योर करने के लिए, जिस जो बहुत ही फेमस है, एवरीबडी नोज दिस हामुराबीज कोड. हामुराबीज कोड उन्होंने इनेक्ट किया था, जिसमें मतलब एक तरीके से वो फेयरनेस इक्वलिटी को इंश्योर करता था टू द पीपल हु वर लिविंग देयर. इट स्टेब्लिश द फेयर वेजेस, कि सभी को इक्वल और फेयर वेजेस देने चाहिए. ठीक है, वहाँ पे प्रोटेक्शन, प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन इंश्योर की गई. ठीक है, पीपल हैड द प्रोटेक्शन टू लाइफ एंड लिबर्टी एज वेल. तो वो कहीं ना कहीं बेबीलोनियन लॉज जो हैं, फ्रॉम देयर वी ट्रेस द यू नो एडवेंट ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग. ओके, तो ह्यूमन rights are also rooted in the ancient thought in the philosophical concept of natural law and natural rights. इसके अलावा हम लोग human rights की जो कहते हैं ना कि जड़ें हैं, जो roots हैं, जो base है, वो हम लोग ancient thought जो कि philosophical concept, लोग jurisprudence में पढ़ते हैं ना philosophical school, वहाँ पर जो natural school है, जो बात करते हैं that the laws are have been derived from the nature or you know the source is the god, right? तो जो नेचुरल राइट्स का कॉन्सेप्ट है, जो नेचुरल लॉ की जो कॉन्सेप्ट है, जो आइडियोलॉजी है, कहीं ना कहीं हम ह्यूमन राइट्स की जो रूट्स हैं वहाँ से भी डिराइव करते हैं. प्लाटो वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट राइटर टू एडवोकेट यूनिवर्सल स्टैंडर्ड ऑफ एथिकल कंडक्ट. मतलब ये माना जाता है जो प्लाटो थे वो वन ऑफ द अर्लीस्ट राइटर थे जिन्होंने अपने राइटिंग्स में, ठीक है, एथिकल कोड के बारे में बात की, एथिकल कंडक्ट के बारे में बात की. ही एडवोकेटेड द यूनिवर्सल स्टैंडर्ड ऑफ एथिकल कंडक्ट, कि किस तरीके से एथिक्स के बेसिस पे, वैल्यूज के बेसिस पे, मोरालिटी के बेसिस पे हमें यू नो यूनिवर्सली रन करना चाहिए टू ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस, टू द स्टेट्स, द प्रोविंसेस. Cicero, a Roman jurist, laid down the foundation of natural law and human rights in his work. Cicero भी एक बहुत famous Roman jurist थे, उन्होंने भी natural law के बारे में लिखा है, natural law की foundation रखी थी, ठीक है, और उन्होंने भी अपनी writings में, जितनी उनकी famous writings थी उसमें human rights के बारे में quote किया है और उसके बारे में discuss किया है. So from there we get to know that somehow the roots of human rights have also been traced from the philosophical concept or from the philosophical writers and the jurists. The documents which form the historical foundation of modern human rights jurisprudence are English Bill of Rights, American Declaration of Independence and the French Declaration of Rights of Man. तो वो documents which form the historical foundation of the modern human rights, जो हम आज के डेट में जो हमारी human rights, modern human rights jurisprudence है, modern human rights जो rules हैं, जो documents हैं, जो pacts हैं, उसकी कहीं ना कहीं जो historical foundation है, जो वो जो documents थे जो उसकी foundation को you know laid down किया था, they were English Bill of Rights, American Declaration of Independence and the French Declaration of Rights of Man. So guys, you have to remember these, क्योंकि आपको आंसर में लिखना होगा, you know, when you write all these important points in your answer, that really, you know, give a good impression to the, in the eyes of examiner, right? The legal process of universality of human rights effectively commenced with the Universal Declaration of Human Rights 1948. अगर मैं बात करूं कि ये ह्यूमन राइट्स का जो कॉन्सेप्ट था, इस कहते हैं ना कि ये हर जगह कैसे फैला, हर कम्युनिटी में, हर स्टेट में, हर प्रोविंस में इसकी यूनिवर्सलिटी कैसे हुई, तो उसका जो कहीं ना कहीं एक मेजर रोल है वो UDHR ने प्ले किया था, दैट वाज यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. इस चार्टर ने, इस डॉक्यूमेंट ने जो है कहीं ना कहीं इट लेड टू द यूनिवर्सलिटी ऑफ द ह्यूमन राइट्स, इसको प्रमोट किया, उसको डिफाइन किया एंड इट उसको हर कॉर्नर तक रीच पहुंचाया. डॉक्यूमेंट्स विच असर्टिंग द इंडिविजुअल राइट्स सच एज मैग्ना कार्टा
1215, Petition of Rights, the US Constitution, the US Bill of Rights are the originators to many of today's human rights laws. Aur ye jitne bhi documents hain, US Constitution itself, US Bill of Rights, right, the Magna Carta 1215, ye sare ke sare jo documents hain, ye jo ki individual human being ke rights ko depict karte hain aur uske bare mein discussion karte hain, ye sare hi documents kahin na kahin have originated the today's human rights laws. कई सारे हमारे आज के ह्यूमन राइट लॉज की जो हिस्ट्री जब हम डिस्कस करते हैं तो उसमें हम इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को पढ़ते हैं कि इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के एसेंस में से वी हैव डिराइव्ड दीज द करंट ह्यूमन राइट लॉज. ठीक है ना, तो आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ ह्यूमन राइट्स का. हमने पढ़ा क्या क्या था कि इसका स्टार्टिंग यूएन चार्टर ने किया, ठीक है, कि इसको इंटरनेशनल लेवल पे कैसे लेके गया, बेबीलोनियन लॉज का क्या रोल रहा था, उसके अलावा फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट में भी हमने ह्यूमन राइट्स को डिराइव किया है. फिर इसके अलावा यूडीएचआर हैज़ ऑल्सो प्लेड एक्टिव रोल, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स थे जिन्होंने फाउंडेशन रखा था हमारे ह्यूमन राइट ज्यूरिसप्रूडेंस का, इसके अलावा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिसकी बेसिस पे हमारे आज के ह्यूमन राइट लॉज जो है वो डिराइव होते हैं. तो दिस इज ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन. आप इसके अलावा भी कुछ एड ऑन कर सकते हो बाय रीडिंग सर्टन अदर बुक्स ऑफ ह्यूमन राइट्स. ओके, द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर टुडे हियर इज द बेसिस ऑफ ह्यूमन राइट्स. सो द व्यूज ऑफ जूरिस्ट एंड द क्वेश्चन एज टू द बेसिस ऑफ ह्यूमन राइट्स आर डाइवर्जिंग विच हैव लेड टू द इमर्जेंस ऑफ डिफरेंट थियोरीज. देखो, बेसिस की बात करें कि क्या बेस रहा है ह्यूमन राइट्स का, तो अलग अलग जूरिस्ट के अलग अलग ओपिनियन आ रहे थे इसके ऊपर. दे हैड अ डाइवर्जेंट, दे हैव अ डिफरेंट थॉट ऑफ सेट ऑफ थॉट्स. सो उस वजह से क्या हुआ कि कुछ सर्टेन डिफरेंट थ्योरीज जो हैं वो इमर्ज हुई इन रिगार्ड टू द बेसिस ऑफ ह्यूमन राइट्स. सो द प्रोमिनेंट ऑफ देम आर, तो बेसिकली इसमें दो थ्योरीज हम लोग डिस्कस करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं इन रिगार्ड टू द बेसिस. द फर्स्ट इज द नेचुरल लॉ थ्योरी. So, it reads as, the ancient thinkers and philosophers are of the view that the human rights has been derived from the principle of natural law. जितने भी हमारे ancient thinkers थे, jurists थे, philosophers थे, writers थे, उन सब का यही मानना था कि human rights का जो concept है ना, it has been derived from the principle of, from the study of natural law. वो natural law से derived हुआ है, natural law principle पे based है. अभी natural law कौन से laws होते हैं? आगे देखते हैं. नेचुरल लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड द डिवाइन लॉ, द लॉ ऑफ रीजन, द अनरिटन लॉ, द कॉमन लॉ, द यूनिवर्सल लॉ, इटर्नल लॉ और मॉरल लॉ. नेचुरल लॉ को हम इंडियन नाम से भी जानते हैं, ठीक है. द सोर्स ऑफ नेचुरल लॉ इज आइदर गॉड और रीजन, ठीक है. ये माना जाता है कि नेचुरल लॉज जो होते हैं उनका जो सोर्स होता है वो होता है गॉड, ठीक है. भगवान उसके सोर्स होते हैं. भगवान ने जो लीलाएं रची हैं, भगवान ने जो भी अपने हमारे जो भी होली बुक्स में मेंशन है चीज़ें, वो है सोर्स नेचुरल लॉ का. उसी के बेसिस पे जस्टिस इंश्योर किया जाता है, डिस्प्यूट सेटल किए जाते हैं, फेयरनेस इंश्योर की जाती है. और इसके अलावा रीजनिंग इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी दी सोर्स ऑफ ह्यूमन, द सोर्स ऑफ द नेचुरल लॉ, ठीक है. तो ये हमारा नेचुरल लॉ का कॉन्सेप्ट. ग्रीक्स रिगार्डेड नेचुरल लॉ एज बीइंग क्लोजली रिलेटेड टू जस्टिस एंड एथिक्स. जो ग्रीक्स हुआ करते थे पहले, ग्रीक्स का ये मानना था कि नेचुरल लॉ है, जो नेचुरल लॉ का प्रिंसिपल है विच इज दैट इज़ वेरी क्लोजली रिलेटेड टू दी जस्टिस, दैट इज़ वेरी क्लोजली रिलेटेड टू दी एथिक्स, ठीक है. नेचुरल लॉ जो है वो जस्टिस को लीड करता है, वो एथिक्स पर बेस्ड है, ये माना करते थे ग्रीक्स. दस नेचुरल लॉ थ्योरी आर प्रैक्टिस बाय रोमन्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉडी ऑफ लीगल रूल्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस. यहाँ तक कि जो रोमन्स हुआ करते थे पहले, तो रोमन्स भी नेचुरल लॉ थ्योरी को यूटिलाइज करते थे, उसे प्रैक्टिस करते थे अपने अपने लोगों को इनजस्टिस इंश्योर करने के लिए, ठीक है, वहाँ के लिए वहाँ के डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए. जो भी वो रूल्स और सेट ऑफ बॉडी ऑफ रूल्स बनाते थे तो उसमें वो नेचुरल लॉ थ्योरी को ही कंसिडर करते थे और उसको ही प्रैक्टिस करते थे. द थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स क्लियरली डिराइव फ्रॉम द नेचुरल लॉ. जो नेचुरल राइट्स की थ्योरी है, ठीक है, जो राइट्स हम लोग को नेचर से डिराइव होते हैं, ठीक है, रीजनिंग पे बेस्ड होते हैं, वो जो है एक्चुअल में नेचुरल लॉ थ्योरी पर ही बेस्ड हैं. नेचुरल लॉ इज एन इंटरेस्ट विच इज रिकग्नाइज एंड प्रोटेक्टेड बाय द रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस. और नेचुरल लॉ क्या है, ये वो
वो इंटरेस्ट हैं जो कि रिकग्नाइज किए जाते हैं, वो इंटरेस्ट हैं जो कि ह्यूमन बीइंग के डेवलप किए जाते हैं, प्रोटेक्ट किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द रीजनिंग, द फेयरनेस, द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस, है ना. जब हम लोग 3 पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट, द इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस, तो उस बेसिस पर हमारा नेचुरल लॉ थ्योरी रन करता है और लोगों को इक्वलिटी इंश्योर करता है, फेयरनेस इंश्योर करता है एंड जस्टिस इंश्योर करता है. ठीक है. द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल राइट्स फाउंड प्लेस इन मेनी डॉक्यूमेंट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स. और नेचुरल राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारे ह्यूमन राइट्स के जो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें भी हम लोग उसको पाते हैं, जैसे कि बिल ऑफ राइट्स 1689, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स वर्जीनिया 1779, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस यूएस 1776. इन सारे ही डॉक्यूमेंट्स में वी सी अ रिफ्लेक्शन ऑफ द नेचुरल राइट कॉन्सेप्ट. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि नेचुरल राइट्स या नेचुरल लॉ थ्योरी जो है, दैट इज वन ऑफ द बेसिस ऑफ द यू नो एडवेंट ऑफ द ह्यूमन राइट्स. ठीक है. आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा. नाउ वी आर हैविंग द सेकेंड थ्योरी हियर, द सोशल यूटिलिटी थ्योरी. सो व्हाट डज इट से? अनदर थ्योरी विच हैज़ बीन एडवोकेटेड एज टू द बेसिस ऑफ ह्यूमन राइट्स इज द सोशल यूटिलिटी थ्योरी. द थ्योरी स्टेट्स दैट what conforms to the utility or the interest of an individual represent the total sum of his happiness. ये थ्योरी ये कहती है कि जो भी चीज़ें, जो भी aspect एक individual के interest को confirm करते हैं, एक individual की interest को protect करते हैं या ensure करते हैं, that represent the total sum of his happiness. मतलब कितनी वो उसके interest को ensure किया जा रहा है, in reward show कर रहा है उस पर्सन की टोटल हैप्पीनेस. ठीक है. इट रिप्रेजेंट्स द टोटल सम ऑफ हिज हैप्पीनेस. मतलब फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक पर्सन को उसकी फेवरेट चॉकलेट्स थी, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, अगर आपने किसी पर्सन को उसकी फेवरेट चॉकलेट्स थी, ठीक है, तो आपने उसके इंटरेस्ट, जो उसका इंटरेस्ट था, उसका इंटरेस्ट था चॉकलेट्स में, आपने उसे इंटरेस्ट दी, सो दैट अल्टीमेटली रिप्रेजेंट द टोटल सम ऑफ हिज हैप्पीनेस. जिस तरीके से वो रिएक्ट करेगा उस चीज को, उस मोमेंट को, ठीक है, वहां पर वो रिप्रेजेंट करेगा उस पर्सन की टोटल सम ऑफ दी हैप्पीनेस. इसी तरीके से जितने यू नो एक पर्सन के सोशल इंटरेस्ट, एक पर्सन के इमोशनल इंटरेस्ट, फिजिकल इंटरेस्ट, सराउंडिंग इंटरेस्ट को जब हम प्रोटेक्ट करते हैं, दैट अल्टीमेटली रिप्रेजेंट द टोटल हैप्पीनेस ऑफ दैट इंडिविजुअल. एंड व्हाट कंफर्म्स टू द यूटिलिटी ऑफ अ कम्युनिटी रिप्रेजेंट्स द टोटल सम ऑफ हैप्पीनेस ऑफ द इंडिविजुअल्स कंपोजिंग दैट कम्युनिटी. और जो चीज़ें, जो एस्पेक्ट एक कम्युनिटी, कम्युनिटी मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल, एक कम्युनिटी के यूटिलिटी को, एक कम्युनिटी के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, एक कम्युनिटी के इंटरेस्ट को कंफर्म करता है, उसको अश्योर करता है, दैट रिप्रेजेंट द टोटल सम ऑफ हैप्पीनेस ऑफ द इंडिविजुअल्स कंपोजिंग दैट कम्युनिटी. तो वो अल्टीमेटली रिप्रेजेंट करता है, डिनोट करता है उन सभी लोगों की इन टोटल हैप्पीनेस जो कि उस कम्युनिटी का पार्ट है. Under the social utility theory of human rights, those rights are considered genuine human rights which tend to increase the total happiness of human beings. So, इससे हम लोग ये derive करते हैं इस theory के basis पे, ये जो human rights की theory है, कि वो rights human rights consider किए जाते हैं, वो rights genuine human rights consider किए जाते हैं जो कि human being की total happiness को increase करते हैं, enhance करते हैं. ठीक है. वो फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन को अगर हम लोग फ्रीडम ऑफ ट्रैवल दे रहे हैं, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट दे रहे हैं, ठीक है, तो अल्टीमेटली हम उसकी हैप्पीनेस को इंक्रीज कर रहे हैं. ठीक है. तो वो राइट्स जो कि एक ह्यूमन बीइंग की हैप्पीनेस को इन टोटल इंक्रीज करता है, वही राइट जेन्युइन ह्यूमन राइट कंसिडर किया जाता है या कहलाता है एज पर दिस सोशल यूटिलिटी थ्योरी. बट दिस थ्योरी डिड नॉट अपीयर टू बी साउंड एज इट वॉज अ बिलीफ that happiness of individuals composing the community is necessarily the interest of the community. मतलब लेकिन हमने जब पढ़ा था ना कि what confirms to the utility of a community represent the total sum of happiness of the individuals composing that community, तो कहीं ना कहीं आप खुद सोचिए कि ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं एक कम्युनिटी का पार्ट हूँ, ठीक है, उस कम्युनिटी के बाकी लोगों के जो इंटरेस्ट हैं, जो उनके हैप्पीनेस दे रही है जो चीज़, वो मुझे भी दे. तो लेकिन ये थ्योरी तो यही कह रही थी कि अगर किसी इंडिविजुअल का जो हैप्पीनेस है वो अल्टीमेटली कंपोज करता है द इंटरेस्ट ऑफ दैट होल कम्युनिटी, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. तो कहीं ना कहीं उस बेस पे, उस अंडरस्टैंडिंग पे ये जो थ्योरी है वो फेल हो जाती है और ये साउंड प्रूव नहीं होती है इन कंटेक्स्ट ऑफ द बेसिस ऑफ ह्यूमन राइट्स, है ना. आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा. नाउ लेट्स हैव अ कंक्लूजन हियर.
It is to be noted that the basis of human rights lies in the fact that an individual is a human being. यहाँ हम लोग ये जानते हैं कि human rights का actual basis क्या है. It lies in the fact कि जिस individual की हम बात कर रहे हैं वो individual एक human being है. हम यहाँ पूरे human rights के concept में human being की बात कर रहे हैं, ठीक है. ना ही कोई animal है, ना ही कोई bird है, ना ही कोई और creature है. We are only focusing towards the human being. And the well-being and freedom in all aspects are the important aspects of individual's existence. और हम human rights की बात कर रहे हैं, human rights कैसे बने, कैसे होने चाहिए, क्या उसका basis है, उन सभी चीज़ों में हम ultimately सार एक ही है कि human existence के लिए human being की well-being is very important और human being की freedom, उसकी स्वतंत्रता, उसका freedom is very important and very crucial out of all the aspects. Thus, happiness and freedom constitute the foundation for human rights. इसलिए जो human being की, जो मनुष्य की खुशी है जिस चीज़ में, जो उसको freedom देता है, वो सभी राइट्स या वो सभी चीजें कॉन्स्टिट्यूट करती हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है ना. तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट ऑफ मीनिंग, डेफिनेशन, इवोल्यूशन एंड बेसिस ऑफ ह्यूमन राइट्स. आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा. कोई कमी है, कोई चीज में डाउट है, अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी बात है अपनी कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, ताकि मैं और लेक्चर्स ऐसे आप लोगों के लिए लेकर आऊँ, ठीक है. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ ह्यूमन राइट्स, द काइंड्स ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड सो ऑन. सो फॉर दैट जस्ट स्टे ट्यून्ड विद द चैनल. इफ यू हैवंट सब्सक्राइब, यू कैन सब्सक्राइब टू लॉ वीटा. आई विल मीट यू अप सून विद द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट लीगल कंटेंट. टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय.